पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। बैजनाथ के चोबिन के पंडित संतराम के परिवार का कांग्रेस के साथ करीब 80 साल के सफर पर ब्रेक लगी है। सुधीर शर्मा अब भाजपा की टिकट पर धर्मशाला से उपचुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ही चुनावी बेला में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। धर्मशाला पहुंचते ही सुधीर शर्मा ने कहा कि मुझे बार बार अपमानित किया गया, जहां सम्मान ना हो वहां एक पल नहीं रहना चाहिए। आपको सुनाते हैं कि धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम वीरवार को स्वागत समारोह में क्या बोले थे सुधीर शर्मा। बार बार अपमानित किया गया, जहां मान सम्मान ना हो वहां पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। बड़े से बड़े पद को भी ठुकरा देना चाहिए। वहीं उनके बयान पर पलटवार करते हुए धर्मशाला नगर निगम के पूर्व महापौर और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव देवेंद्र सिंह जग्गी ने कहा कि जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तो सुधीर शर्मा ने पार्टी को पीठ दिखाई, चाहे वह 2019 के लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो। ऐसे में सुधीर शर्मा को ऐसे बोलना शोभा नहीं देता है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में क्या बोले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव देवेंद्र सिंह जग्गी, सुने। कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा में गए और भाजपा के जो कैंडिडेट बने हुए हैं, उन्होंने जो कहा कि मुझे कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था और मैं धर्मशाला के विकास के लिए भाजपा मैंने ज्वाइन की है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को बैना से धर्मशाला में भेज दिया इलेक्शन लड़ने के लिए और कांग्रेस पार्टी ने उसको 2012 में जितवाया और कांग्रेस पार्टी ने उसको मंत्री बनाया, हालांकि 2017 में हारने के बाद जब लोकसभा के इलेक्शन आए लगभग मुझे लगता 2018-19 में, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, बहाने लगाए। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास था कि बड़े नेता लड़ेंगे, उसको उन्होंने उस समय तोड़ा। उसके बाद जब धर्मशाला में बाई इलेक्शन की बात आई तो उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया। बार बार पार्टी को डिस करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उनको 22 में फिर टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी ने उनको धर्मशाला से जितवाया।